6 की साइंस का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस पाठ में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम वस्तुओं को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स व्हाइल हार्वेस्टिंग। मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर। एज वी लर्न्ड इन चैप्टर 3, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर्स। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गोवास and asked to separate them, what would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango or guava? Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से, कोई मिक्सचर से हम पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं, यानी कि उसे सेपरेट करते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को हम द्रव से चालनित्र यानी कि छलनी के द्वारा सेपरेट करते हैं। सस्य कर्तन के समय अनाज को उनकी डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जैसा कि फिगर 5.2 में दिखाया गया है। जैसा कि हमने थर्ड चैप्टर में सीखा है कि रेशों से बीजों को अलग करने के लिए कॉटन यानी कि कपास को ओटते हैं, उसको गिनिंग करते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा, तो बच्चों कभी कभी आपको उनमें हरी मिर्ची दिखती है, तो आप उसे चम्मच से या अपने हाथ से अलग कर लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी दूसरे बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? बच्चों ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि सेपरेट करने के लिए आपको जो पदार्थ दिए गए हैं वो आम और अमरुद से काफी छोटे हो, तब आप उसे कैसे सेपरेट करेंगे? समझ लो कि मैंने आपको एक मिक्सर दिया, एक मिश्रण दिया जिसमें सैंड यानी कि रेती है और नमक भी है। तो अब क्या आप इस मिश्रण को पृथक कर सकते हैं केवल हाथों से दाने उठाकर? नहीं ना। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? Activity 1. In column 1 of table 5.1 are given a few processes of separation. The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in columns 2 and 3 is jumbled up. Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? एक्टिविटी 1 के लिए हमें टेबल 5.1 दिखाया गया है। इसमें तीन कॉलम है। सबसे पहले कॉलम में सेपरेशन प्रोसेसेस यानी कि सेपरेट करने की विधि बताई गई है। कॉलम 2 में पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन यानी कि हम यह सेपरेशन क्यों करते हैं, और कॉलम 3 में व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स यानी कि पृथक किए जाने वाले जो पदार्थ हैं उनका हम किस चीज में उपयोग करते हैं। लेकिन कॉलम 2 और कॉलम 3 में जो हमें शब्द दिए गए हैं वह सारे जंबल्ड है यानी कि मिक्स्ड अप है, वह अपनी जगह पर नहीं है। हमें उसे अपनी जगह पर लाकर तीनों कॉलम को मैच करना है। टेबल 5.1, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। सेपरेशन प्रोसेस। फर्स्ट, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस यानी कि चावल से कंकड़ों को निकालना। पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, हम यह सेपरेशन क्यों करते हैं? हम यह इसलिए करते हैं क्योंकि चावल में कंकड़ इम्प्योरिटीज होते हैं, तो हम 1 के आगे लिख देंगे C, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। अब बच्चों
कंकड़ों को निकालने के बाद हम उस चावल का क्या करते हैं? हम उस चावल को हमारे खाने में यूज करते हैं, और हम उस कंकड़ का क्या करते हैं? हम उन कंकड़ों को फेंक देते हैं। तो हम इसे मैच कर लेंगे कॉलम 3 के सेकंड वाले से, यानी कि वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, हम कंकड़ों को फेंक देते हैं। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, हम दूध का मंथन करते हैं ताकि हमें मक्खन मिल पाए। अब यह मक्खन और मक्खन के साथ हमें मिलता है छाछ, तो हम कॉलम 2 में लिख देंगे टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। बच्चों, हमारे लिए मक्खन भी इम्पोर्टेंट है और जो छाछ मिलती है वो भी इम्पोर्टेंट है। कॉलम 3 में पूछा गया है कि हम इन सेपरेटेड कंपोनेंट्स का क्या करते हैं, तो हम क्या इन दोनों को फेंक देते हैं? नहीं, हम यह दोनों कंपोनेंट यूज करते हैं, तो हम लिख देंगे वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। अगला है सेपरेट टी लीव्स। जब आप चाय बनाएं तब उसको आप छलनी में से डालकर चाय पत्ती निकाल लेते हैं, तो ऐसा हम क्यों करते हैं? हम ऐसा करते हैं टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। बच्चों, चाय पत्ती का काम इतना ही होता है कि वह हमारी चाय को रंग और स्वाद दे, उसके बाद हम उस चाय पत्तियों को निकाल देते हैं, हम उसे पीते नहीं है, इसलिए हम यह प्रोसेस यूज करते हैं टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। और फिर हम उस चाय पत्ती का क्या करते हैं? हम वह सॉलिड कंपोनेंट फेंक देते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे लास्ट कॉलम में वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्स्ड विद इट। Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. The substances to be separated may be particles of different sizes or materials. These may be in any three states of matter, that is solid, liquid or gas. So, how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? हमने देखा कि किसी भी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उनमें से जो हानिकारक और अनुपयोगी चीजें होती हैं, उन्हें हम निकाल लेते हैं। कभी कभी हम यूजफुल कंपोनेंट्स, यानी कि काम में आने वाले पदार्थों को भी सेपरेट करके अलग कर लेते हैं अगर हमें उनकी भी आवश्यकता हो। सेपरेट किए जाने वाले पदार्थ अलग अलग साइज यानी कि अलग अलग माप के भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स के भी हो सकते हैं। यह कोई भी स्टेट ऑफ मैटर में हो सकते हैं, जैसे कि वे सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी स्टेट में आपको मिल सकते हैं। तो बच्चों, हम इन सब्सटेंसेस को अलग कैसे करते हैं जबकि इनकी इतनी सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज है? पेज नंबर 36, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज। हैंड पिकिंग एक्टिविटी 2। Bring a packet of food grains purchased from a shop to the classroom. Now, spread the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there pieces of stone, husks, broken grain, and particles of any other grain in it? Now, remove with your hand the pieces of stone, husks, and other grains from it. Dosto, ab 5.1 mein hum dekhenge कि कौन से अलग अलग तकनीकों से हम पदार्थों को पृथक कर सकते हैं। सबसे पहला है हैंड पिकिंग। तो एक्टिविटी 2 के लिए आपको यहाँ बताया गया है कि एक अनाज का पैकेट ले लीजिए, फिर उसको स्कूल ले जाकर एक पेपर की शीट पर फैला दीजिए। कुछ अनाज के दानों को पेपर की शीट पर फैला दीजिए। अब देखिए, क्या इसमें आपको केवल अनाज के ही दाने दिखते हैं या फिर आपको अनाज के साथ उसका हस्क यानी कि उसकी डंडियां, कुछ टूटे हुए ग्रेन्स या फिर कुछ कंकड़ दिखते हैं? तो इनको आप सेपरेट कैसे करेंगे? इन्हें आप आपके हाथों से पकड़कर निकाल सकते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम वीट, राइस और पल्सेस। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। इन सच सिचुएशंस we find that hand picking is a convenient method of separating substances. कुछ कुछ प्रकार के जो कचरे होते हैं, जैसे कि अनाज में उसकी डंडियां, कंकड़ वगैरह, वह सब हम हमारे हाथों से उठाकर निकाल सकते हैं तथा हम उसे हमारी आंखों से देख भी सकते हैं।
इस मेथड को कहा जाता है हैंड पिकिंग, जिसमें हम हमारे हाथों से स्वयं उस कचरे को पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। थ्रेशिंग, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ वीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। ईच स्टॉक हैज मेनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स? दूसरा मेथड है थ्रेशिंग। अपने खेत अथवा कलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले उसे धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अन्नकण चिपके होते हैं, यानी कि जो अनाज होते हैं वह उस पर चिपके हुए होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्नकणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अन्नकणों की डंडियों के इतने डालियों के गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते होंगे? इतने बड़े बड़े बंच होते हैं, गट्ठे होते हैं, उनमें कितनी सारी डंडियां और उन डंडियों पर चिपके हुए कितने सारे अनाज के दाने? कृषक उसे सेपरेट कैसे करता होगा? वन मे प्लक मैंगोस और गोवास फ्रॉम द ट्रीज, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोस और गोवास, सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। How does one separate grain seeds from their stalks? The process that is used to separate grain from stalks etc. is threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes, threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of grain. बच्चों, यदि आम या फिर अमरूद की बात की जाए, तो उसे तो हम पेड़ पर से तोड़ सकते हैं। लेकिन अनाज के दाने तो काफी छोटे होते हैं। हर डंडी पर से इन सारे अनाज के दानों को हम एक एक करके निकालेंगे तो कितना सारा समय व्यतीत हो जाएगा। तो इसे निकालते कैसे हैं? इसे निकाला जाता है एक प्रोसेस से जिसका नाम थ्रेशिंग है। थ्रेशिंग में इन सारी डंडियों को पटकते हैं जिससे उसमें से दाने खुलकर बाहर आ जाते हैं, जैसा कि फिगर 5.4 में दिखाया गया है। कभी कभार यह थ्रेशिंग करने के लिए बुलक्स यानी कि गाय भैंस वगैरह का उपयोग किया जाता है। आज के जमाने में इसके लिए हमारे पास मशीन्स भी उपलब्ध है। विनोइंग एक्टिविटी 3, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर्ड लीव्स। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली? Are the sizes of particles of two components similar? Would it be possible to separate the components by hand picking? Now, take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. Put the mixture in a plate or a sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. What happens to both the components? Sand and sawdust or powdered leaves fall at the same place? Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? अगला तरीका पदार्थों को पृथक करने के लिए जो यूज किया जाता है वह है विनोइंग। तो आइए अब देखते हैं एक्टिविटी 3 में हमें क्या करना है। हमें सूखी रेत या फिर sawdust का मिक्सचर और पाउडर्ड ड्राई लीव्स यानी कि सूखे पत्तियों का चूरा वह लेना है और इन सबको एक साथ मिलाकर एक न्यूज़पेपर पर रख देना है। अब इसे ध्यान से देखिए, क्या दोनों प्रकार के जो पदार्थ हैं, उन्हें आप आसानी से देख सकते हैं? क्या वह दोनों पदार्थों की जो साइज है, जो उनका माप है, क्या वह एक समान है? क्या आप इन दोनों पदार्थों को हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हैं? अब आपका जो मिश्रण है उसे लेकर एक खुले मैदान में या फिर खुले खेत में जाइए और उस प्लेट या फिर पेपर की शीट को फिगर 5.5 में जैसे दिखाया गया है वैसे टेढ़ा पकड़ लीजिए। इस तरह से आपका जो मिश्रण है वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा। आपने क्या देखा? क्या दोनों कंपोनेंट, क्या दोनों पदार्थ एक ही जगह पर गिरे? क्या ऐसा हुआ कि एक पदार्थ हवा से उड़ गया और उससे दोनों पदार्थ अलग अलग हो गए? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर
is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. The husk particles are carried away by the wind. The seeds of grain get separated and form a heap near the platform for winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. बच्चों, इस तरीके को हम कहते हैं विनोइंग। विनोइंग का उपयोग होता है ऐसे पदार्थों को अलग करने के लिए कि जिनमें एक पदार्थ भारी होता है और दूसरा हल्का होता है, जैसे कि अनाज और अनाज के भार का जो कवरिंग होता है उसका जो हस्क होता है उसे अलग करने के लिए हम विनोइंग यूज करते हैं। विनोइंग करने से जो हस्क है वह हल्का है, इसलिए वह हवा से उड़कर अलग हो जाता है, और जो ग्रेन है यानी कि जो अनाज के दाने हैं वह भारी है, इसलिए वह नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार हम अनाज के दाने और उसके कचरे को हम साफ कर सकते हैं। जो हस्क पार्टिकल्स जो सेपरेट होकर हमें मिले हैं, इसका उपयोग कई अलग अलग चीजों में किया जाता है, जैसे कि गायों को चारा देने में। पेज नंबर 38, सीविंग। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लावर। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। व्हाट डू वी डू? We use a sieve and pour the flour into it. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually, a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. You may have also noticed similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from sand. अगला तरीका जिससे हम पदार्थों को पृथक कर सकते हैं वह है सीविंग, यानी कि छालना। बच्चों, कभी कभार जब आपको आटे से कोई वस्तु बनानी है तब आपको आटे को छालना पड़ता है, उसको सीव करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ छोटे छोटे कचरे होते हैं या फिर उसका ब्रान होता है, तो हमें उस इम्प्योरिटीज को निकालना होता है। जो अनावश्यक वस्तु है उसे हम निकाल लेते हैं, उसके लिए हम एक छलनी का उपयोग करते हैं, हम एक सीव यूज करते हैं जिससे हम आटे को छान लेते हैं। ऐसा करने से उसमें जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज होती है वह सारी अटक जाती है छलनी में। बच्चों, आटे के मील में गेहूं को पिसने से पहले पत्थरों तथा भूसों जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारण तौर पर गेहूं की एक पूरी बोनी डाली जाती है एक स्लांटिंग सीव पर, जिससे उसमें से कंकड़, पत्थर, डंडिया, भूसा, यह सारी जो अनावश्यक वस्तुएं हैं वह निकल जाती है और हमें केवल गेहूं मिलते हैं जिसे पीसा जाता है। इस प्रकार की सीव यानी कि छलनी आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी देखी होगी। यदि आपके घर के आसपास कभी कोई नया बिल्डिंग या वगैरह कुछ बन रहा है तब आपने देखा होगा कि वहां एक स्लांटिंग सीव यूज की जाती है, जैसा कि फिगर 5.7 में दिखाया गया है। इस सीव के मदद से जो सीमेंट होती है उसमें पाए जाने वाले बड़े कंकरों को अलग किया जाता है। एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर फ्रॉम होम टू द क्लास। सीव द फ्लावर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लावर। Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? Sieving is used when components of a mixture have different sizes. बच्चों, activity 4 के लिए हम गेहूं का आटा ले लेंगे और उसे छलनी से छान लेंगे। अब एक चॉक का टुकड़ा लीजिए और उसका चूरा बना दीजिए। इसे आप उस आटे के साथ मिला लीजिए। क्या अब आप सीविंग से यानी कि छलनी से आप इन दोनों पदार्थों को पृथक कर सकते हैं? नहीं, हम किसी दो पदार्थों को सीविंग से तब पृथक कर सकते हैं जब उनकी साइज अलग अलग हो, यानी कि उनकी जो माप होती है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके माप अलग अलग हो, यदि तभी ही हम सीविंग का उपयोग कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses.
How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. These impurities go into water. Now, what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? And why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. When the water, along with the dust, is removed, the process is called decantation. Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. अगला तरीका जिससे हम पदार्थों को पृथक कर सकते हैं वह है sedimentation, decantation and filtration. बच्चों कभी कभार विनोइंग या हैंड पिकिंग से हम कोई पदार्थ को साफ कर नहीं पाते, जैसे कि हमारे चावल या फिर कुछ पल्सेस, उनमें हल्की इम्प्योरिटीज होती है, यानी कि लाइट वेट वाली इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि धूल, सैंड वगैरह. तो बच्चों इन्हें हम निकालेंगे कैसे खाना बनाने के पहले? राइस और पल्सेस को हम धोते हैं खाना बनाने में उपयोग करने से पहले. जब आप इनमें पानी डालते हैं तब जो इम्प्योरिटीज यानी कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वह अलग हो जाते हैं. यह सारी इम्प्योरिटीज पानी में घुल जाती है. अब बच्चों उस वेसल, उस बर्तन के सबसे नीचे कौन सी वस्तु बैठ जाएगी? राइस या फिर धूल? और क्यों? क्या आपने देखा है कि हम उस गंदे पानी को निकालने के लिए बर्तन को टिल्ट करते हैं, उसे टेढ़ा करते हैं? बच्चों जो हैवियर कंपोनेंट है यानी कि जो पदार्थ भारी है वह नीचे बैठ जाता है जब आप उसमें पानी डालो, और जो हल्की इम्प्योरिटीज है वह ऊपर आ जाती है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन. जब वह पानी उस डस्ट के साथ निकाला जाता है तो उसे हम कहते हैं डीकैंटेशन, जैसा कि फिगर 5.8 में दिखाया गया है. उम्मीद करती हूँ कि आपको मजा आया. मिलते हैं अगले लेक्चर में.